कंप्यूटर्स का सबसे बड़ा ताकत है एक काम बार बार करना। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, वो गलतियां भी नहीं करेगा, थकेगा भी नहीं, और चाहे जितने बार कोई काम को रिपीट कराने लगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो समझ लीजिए, अगर मैंने कहा आपको कि आप अपना नाम 5 बार लिखिए, तो ऐसा हो सकता है कि आपका नाम अगर राहुल है तो पहले राहुल लिखोगे, राहुल लिखोगे, राहुल, राहुल और राहुल। समझ लीजिए मैंने कहा अभी 5 बार से आप 500 बार लिखो। अब थोड़ा आपका गुस्सा ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर आप 500 बार नहीं लिखे तो मैं आपको पास नहीं करूँगा। तो बड़ी गुस्से से फिर भी आप 500 बार लिखोगे। अगर मैंने 500 बार ऐसा लिखोगे राहुल राहुल करके नाम, अगर मैंने फिर भी आपके ऊपर प्रेशर डाला और कहा कि आप अभी अपना नाम 1 लाख बार लिखोगे, तब कहोगे भैया ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसान करने लायक काम नहीं है, अपना नाम 1 लाख लिखना या 10 बार, 10 लाख बार लिखना या 50 लाख बार लिखना। अगर हम एक काम कंप्यूटर को सौंप दें तो कंप्यूटर बड़ी आरामी से ये काम करेगा, क्योंकि उसके पास कोई इमोशन नहीं है, कोई थकान नहीं है, और वो हर बार वही काम परफेक्टली करेगा। तो अगर हमने कंप्यूटर से द्वारा अपना नाम 1 लाख बार प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा भी डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें ये ज़रूरी है कि हर बार हम प्रिंट करने के बाद एक वेरिएबल लेना पड़ेगा काउंटर। इनिशियली जब हमने प्रिंट नहीं किया इसका वैल्यू होगा 0, जब हम एक बार प्रिंट करेंगे काउंटर का वैल्यू होगा 1, 2 बार प्रिंट करेंगे काउंटर का वैल्यू होगा 2। तो ऐसे ही हम प्रिंट करते जाएंगे लाख बार, और जब काउंटर का वैल्यू पहुंच जाएगा 1 लाख तब हम रुक जाएंगे। मैं अभी एक तरीका दिखाता हूं आपको कैसे हम नाम प्रिंट कर सकते हैं। तो समझ लीजिए ये काउंटर यूज करके हमने क्या कर दिया, एड्रेस 100 पे इंस्ट्रक्शन है प्रिंट राहुल, तो पहली बार प्रिंट कर दिया। एड्रेस 110 पे है काउंटर का वैल्यू इंक्रीज करना, 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, इस तरह चलते जाएगा। तो अभी क्या किया, काउंटर इंक्रीज करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वापस यहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, यानी मैं क्या कह रहा हूँ, काउंटर 1 से बढ़ाने के बाद आप जंप टू एड्रेस 100, मतलब कंप्यूटर अंदर क्या करेगा, एड्रेस 100 एग्जीक्यूट करेगा, एड्रेस 110 पे क्या है वो एग्जीक्यूट करेगा, और सीधा जंप करेगा एड्रेस 100 पे। जब एड्रेस 100 पे जाएगा ये प्रोसेस जो है कभी बाहर नहीं आएगा। तो ये 1 लाख बार नहीं, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक कंप्यूटर वर्क करेगा, जब तक पावर सप्लाई होगा, तब तक ये राहुल प्रिंट करते जाएगा। ऐसे कामों को जो कभी खत्म नहीं होता, इसे हम इनफाइनाइट लूप यानी इनफाइनाइट रिपीटेशन कहते हैं। ऐसे इनफाइनाइट कामों का बहुत ही कम यूज होता है, हमें चाहिए जो काम फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स करे। तो चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे ये काम किसी का नाम प्रिंट करना फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटर की जगह हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम है आई और इसका इनिशियल वैल्यू है 0, और मैं चाहता हूं कि राहुल का नाम 1 मिलियन यानी 10 लाख टाइम प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले पहले जैसा ही मैं करूंगा, मैं क्या कहूंगा, प्रिंट राहुल, राहुल एक बार प्रिंट करने के बाद आई का वैल्यू 1 से बढ़ेगा, तो आई 0 से 1 होगा, वापस जाएगा, राहुल दूसरा बार प्रिंट होगा, आई का वैल्यू 2 होगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे खत्म करना है तो मुझे एक कंडीशन यूज करना पड़ेगा। तो हर बार मैं राहुल प्रिंट करने से पहले मैं एक कंडीशन डालूंगा, मैं पूछूंगा कि क्या आई का वैल्यू 1 मिलियन से कम है। अगर आई का वैल्यू 10 लाख से कम है तभी मैं राहुल को प्रिंट करूंगा, वरना मैं नहीं प्रिंट करूंगा। तो इसका शुरुआत ऐसा होगा, मैं पहली बार भी राहुल प्रिंट करने से पहले ये चेक करूंगा कि आई का वैल्यू क्या है, 0 क्या 1 मिलियन से लेस है, ट्रू है, तब राहुल प्रिंट करूंगा, आई का वैल्यू बढ़ाऊंगा। ये जो ब्लॉक है ये इस स्टेटमेंट के साथ जुड़ा है, तो ये चलता जाएगा जब तक आई का वैल्यू 1 मिलियन ना हो। तो अभी आप
इसे हम लेस देन कहा है क्योंकि हम आई का वैल्यू जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आई का वैल्यू वन से स्टार्ट करेंगे तब हमारा कंडीशन होगा आई लेस देन और इक्वल टू मैक्स। तो जब तक आई लेस देन और लेस देन मैक्स है, ये राहुल प्रिंट होता जाएगा और आई का वैल्यू बढ़ते जाएगा। जैसे ही आई का वैल्यू 1 मिलियन होगा, 1 मिलियन लेस देन 1 मिलियन नहीं होगा, तब ये कंडीशन फॉल्स होगा और उसके आगे जो इंस्ट्रक्शंस है आई ए आई बी आई सी आई डी वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते जाएंगे। तो ये था एक सिंपल लॉजिक कैसे आप रिपीटेशन एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यही लॉजिक यूज करके सपोज हमें एक लॉजिक लिखना है जिसमें हम नेचुरल नंबर्स 1 to n तक प्रिंट करना है। n का मतलब यह है, n का मीनिंग है मैक्सिमम या एंड लिमिट। अगर मैं n का वैल्यू 5 दे दूं तो आप 1, 2, 3, 4 और 5 प्रिंट करोगे। अगर n 10 होगा तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 करोगे। तो अगर हमें 1 to n प्रिंट करना है, सबसे पहला हमें एक मेमोरी लोकेशन चाहिए नंबर जिसका इनिशियल वैल्यू है 1। n एक ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम n एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम है n और हम उसे यूज करने वाले हैं। अब हमें सबसे पहले यूजर से पूछना पड़ेगा कि आप लास्ट नंबर कौन सा प्रिंट करना चाहते हो। तो आप गेट, रीड, स्कैन किसी वर्ड यूज करके n का वैल्यू आप रीड करोगे। n का वैल्यू रीड करने के बाद आप क्या करोगे, अभी आप एक स्टेटमेंट दिखाऊंगा जिसको मैं समझाऊंगा आपको। तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहां था मैं चेक करूंगा वाइल नंबर का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n है। ये लेस देन इक्वल टू n है क्योंकि नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम जीरो प्रिंट नहीं करते नेचुरल नंबर्स में। तो 1 लेस देन और इक्वल टू n है तब मैं नंबर प्रिंट करूंगा, नंबर के बाद एक छोटा सा स्पेस दूंगा ताकि आउटपुट में 1 space 2 space 3 space 4 space 5 space ऐसे आए। फॉर एग्जाम्पल अगर n का वैल्यू 5 है, नंबर 1 है, तो आउटपुट ऐसा आए 1 space 2 space 3 space 4 space 5 space। तो हम नंबर प्रिंट करेंगे, नंबर का वैल्यू 1 से 2 बढ़ाएंगे, दूसरा नंबर प्रिंट करेंगे नंबर होगा 3, तीसरा नंबर प्रिंट करोगे नंबर होगा 4, फोर नंबर प्रिंट होगा नंबर होगा 5, 5 अभी भी 5 से कम है तो नंबर 5 प्रिंट होगा। जब ये नंबर 6 होगा, 6 5 से कम भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तब वो यहाँ बाहर से आएगा। तो इसका फिक्स्ड क्या है, वाइल डू और एंड वाइल के बीच में जो इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स है वो बार बार चलते जाएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा यहाँ पे स्टॉप होगा। अगर मैं वाइल की जगह इफ़ यूज़ करता तो इफ़ एक ही बार करता, वाइल आपको बार बार करने देगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स होगा। तो अगर हम आपको इसका आउटपुट समझाना है, इस प्रोग्राम का लॉजिक समझाना है, तो ये आउटपुट हम देख सकते हैं, ठीक है। 1 to n हमने वैल्यू आई नहीं, यहाँ नम दिया है, नंबर 1 है, n का वैल्यू हमें पता नहीं है। गेट n, समझ लीजिए n यूजर ने एंटर कर दिया 5, ठीक है। अभी क्या है, 1 लेस देन और इक्वल टू 5 है तो हम प्रिंट नंबर करेंगे, 1 प्रिंट होगा, ठीक है। अभी क्या होगा, नंबर 1 से बढ़ेगा, नंबर 2 होगा, नंबर 2 होने के बाद वापस यहाँ आ जाऊँगा, क्या 2 5 से कम है, बिल्कुल कम है, तो अभी 2 प्रिंट होगा, नंबर हो जाएगा 3। 3 क्या 5 से कम है, अभी भी कम है, तो नंबर 3 प्रिंट होगा, नंबर का वैल्यू बढ़ेगा 4। 4 लेस देन इक्वल टू 5 अभी भी सही है तो अगला नंबर 4 प्रिंट होगा, नंबर इस स्टेप पे 5 होगा, अभी भी चलेगा क्योंकि 5 लेस देन 5 नहीं है लेकिन 5 इक्वल टू 5 है तो नंबर 5 प्रिंट होगा। अगले बार नंबर जब 6 होगा तब क्या होगा, 6 लेस देन और इक्वल टू 5 फॉल्स होगा और यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप होगा। तो अगर आप इसका प्रोग्राम सी में लिखोगे तो लगभग आउटपुट इस इनपुट पे, ये आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो आप दूसरे संख्या देख के, जैसे n का वैल्यू 9, 11 देख के इसका आउटपुट
ट्रेस, जैसे मैंने टेस्ट प्लान बनाया, ट्रेस करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको लॉजिक समझ में आएगा। ये स्पेस हमने इसलिए दिया है कि वन के बाद एक स्पेस प्रिंट हो जाए, टू के बाद एक स्प्रिंट प्रिंट हो जाए, नहीं तो ये सारे नंबर चिपक जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और आप स्क्रीन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये था हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक प्रोग्राम जो किसी काम को हम बार बार करना चाहते हो। अगर किसी को एन के बारे में कन्फ्यूजन है, एन मतलब अपर लिमिट, मैक्सिमम नंबर, लास्ट नंबर और एंड पॉइंट, तो हम स्टार्ट करेंगे वन से एंड पॉइंट तक। तो ये था एक सिंपल सा अल्गोरिथम जो हम नंबर, नेचुरल नंबर्स 1 to n प्रिंट करने के आपको हमने दिखा दिया।